गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। एक्चुअली कल हम लोग रात में गए थे जो मुंबई में फ्ली मार्केट लगा है वहाँ पर बैंड्रा में, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप्स जो है वो बंद हो गई थी तो हम फटाफट खुद ही देख रहे थे। एंड मेरा रिव्यू ये रहेगा, था तो बहुत क्यूट, बहुत ही प्यारा सा था, छोटी छोटी बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव शॉप्स थी, बहुत सारे DIYs वाले स्टोर्स थे, हैंडमेड चीज़ें थी, तो मैं अच्छे से तो देख नहीं पाई अभी। बट और आज लास्ट डे है तो ऑब्वियसली आज बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, तो अभी तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, थोड़ा अच्छे से प्लान करके जाएंगे। एंड वहाँ से जब हम आ रहे थे तब मैं कुछ लेकर के आई हूँ, बैम्बू और केन की हमको एक शॉप दिखी जहाँ पर बहुत क्रिएटिवली वो चीज़ें बना रहे थे, मैं उसकी क्लिपिंग यहाँ पर डाल दूंगी। सो आई डोंट नो द शॉप नेम, ऑब्वियसली हम रैंडमली निकल रहे थे, क्रॉस कर रहे थे बैंड्रा को तब हमको वो शॉप दिखी। तो वो बैंड्रा वेस्ट में शॉप है केन और बैम्बू की, सिर्फ दो ही स्टोर थे और काफ़ी बड़े से थे, तो अभी मुझे लोकेशन नहीं पता है कि वो कौन से रोड पे से क्रॉस कर रहे थे मिली थी। सो वहाँ से हम लोग कुछ लेकर के आए हैं, ऑल्दो वो बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब एक एक बैम्बू का जो शैंडलियर है वो 1500 टू 1600 हम लोगों को सेल कर रहे थे। हमारा ये जो ऊपर आप शैंडलियर देख रहे हैं ना, विक्की ने दो दिन पहले इसका ऐसे टकरा के, विक्की बिल्कुल रजनीकांत स्टाइल में अपनी टी शर्ट ऐसे करके अपने शोल्डर पे रख रहा था, जैसे ही वो उसने रखा ऊपर के वो तीनों टकराए और कटाक से नीचे गिरा। तो मतलब ज़्यादा टुकड़ा नहीं टूटा है, बट वो क्योंकि ग्लास है तो इसलिए उसको चेंज करना ज़रूरी था। मैं सोच रही थी नया लेने का, बट फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पर जब मैं क्रॉस हो रही थी तो मुझे वो शैंडल्स दिख गए और मुझे लगा ये ज़्यादा सस्ते भी हैं, अच्छे भी लगेंगे और टूटने फाटने का कोई डर नहीं रहेगा, वो गिर भी जाएंगे, टकरा देना है कुछ भी रहे वैसा। तो इस तरह से मैं ये तीन लेकर के आई हूँ। एक वो हमको दे रहा था 350 रुपीज़ का, इमेजिन, उसको मैंने गिड़गिड़ाया भैया हम इतना कैश ही लेकर के आए, 900 रुपीज़ में उसने हमको तीन दिए हैं। और आज का प्लान ये है, पीछे आप देख रहे हो मेरा कज़िन, हाय, इसकी जो अभी शादी हुई थी ये वो है, वो और उसकी वाइफ आए हुए हैं, तो हम लोग साथ में सब इन्जॉय वगैरह कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं एंड ऑल। सो ज़्यादा ब्लॉगिंग मैं इसलिए कर नहीं रही हूँ, थोड़े थोड़े से पार्ट्स ले रही हूँ। सो बस यही है, अभी कुछ होगा आगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, टिल देन। आज हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही मॉल वगैरह घूमने घूमने के लिए, डिनर विनर करने के लिए, और हम सब ने रेड पहना है, ये है सत्यम, पहनाया गया है जबरदस्ती नहीं, मतलब मैंने बोला कि रेड पहनो, एक्चुअली हाँ रेड थीम हम लोग, क्रिसमस जो ये लोग सेंटा क्लॉज बनने थे, गिफ्ट दिलवाने वाले सबको, एक एक रुपए की चॉकलेट। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं एंड मेरे जो कजिन्स हैं वो लोग नीचे गए हैं घूमने के लिए, और वो लोग घूम करके आ गए, बाहर गए थे थोड़ा, एंड विक्की अभी तक ऑफिस से आया नहीं है, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर विक्की बिकॉज उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है राइट नाउ। एंड आई गॉट माई नेल्स डन, और ये मैंने नेल्स करवाए हैं इस बार, तो उन्होंने क्रोम स्टाइल में नेल्स किया हुआ, एक्चुअली उनकी एनिवर्सरी थी, उनके पार्लर की एनिवर्सरी थी, एंड लास्ट टाइम मेरे नेल्स की जो नेल बड है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे,
जो डैमेज होता है जिस तरह से वैसा डैमेज नहीं हुआ था. नॉर्मली 20-25 डेज में मेरे नेल्स रिकवर हो गए थे प्रॉपरली. आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज, तो इसलिए मैंने दोबारा से ये रिस्क ले लिया करवाने का. एंड मुझे ये कलर एक्चुअली मुझे न्यूड और सिंपल कलर ज़्यादा पसंद आते हैं. आई एम नॉट श्योर, आप लोग मुझे बताना कॉमेंट करके, ये गॉडी तो नहीं लग रहा है ना, बिकॉज मुझे ये बहुत चमक चांदनी टाइप से लग रहा है. ग्रे तो मैंने करवाया ही है, बट उसके ऊपर छोटा छोटा सा ना ऐसे क्रोम नेल्स करवा करके रखा है. तो ये मैंने नेल्स करवाया, और मैं नेल्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ, ऐसे कि आप देख सकते हो बहुत नॉर्मल लेंथ होती है मेरे नेल्स की. मुझे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बड़े बिल्कुल नहीं पसंद हैं. जो लास्ट ईयर मेरे आई थिंक 7 दिसंबर को मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, और मैं पूरे मंथ उस चीज़ की खुशी मना रही थी. और मतलब बहुत ही एक्साइटिंग ईयर था लास्ट ईयर, मेरे 1 लाख ख़त्म कंप्लीट हुए थे. और मैं बस ये प्रे कर रही थी कि न्यू ईयर आने से पहले मेरे 1 लाख हो जाएं, और वो हो गए थे. और मतलब मैं वैसे अभी चीज़ें बैठ करके रिकॉल कर रही थी कि क्या क्या इस साल हुआ. कल 25 दिसंबर है, तो अभी तक तो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली मेरे यहाँ बच्चों का कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पर सोसाइटी में, तो उनके प्रिपरेशन चल रही है, तो वही उसी में मैं बिजी रहने वाली हूँ कल. तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ आई डोंट नो कब. यहाँ का पार्ट यहीं पे ओवर करती हूँ, और जब भी मैं मिलूँगी आई विल रीस्टार्ट दिस व्लॉग फ्रॉम देयर. सो टिल देन चल ही रहा हूँ. Hi guys, welcome after 3 days. मैंने 3 दिन तक कोई vlogging नहीं करी, because मैं बहुत ज़्यादा busy थी. कोई बहुत ऐसा काम नहीं कर रही थी मैं, but still I was very very busy. एंड आज मैं जा रही हूँ अपने नेल्स का ये जो कलर है ये चेंज करवाने के लिए. ऑल्दो इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, बट मुझे ये चेंज करवाना है. सो ये चेंज करवाने जा रही हूँ. और मेरी सोसाइटी में एक्चुअली भी फंक्शन चल रहा था 3 दिन से, डांस प्रोग्राम एंड ऑल दैट. तो मेरे डांस क्लास के सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और एक नहीं दो दो तीन तीन सॉन्ग पार्टिसिपेट किया था, डुएट किया था, सोलो किया था, ग्रुप किया था. तो उनका जो ड्रेसेस है रेंट के ड्रेसेस मैं लेकर के आई थी, तो वही अभी मैं चेंज करने जा रही हूँ, मतलब देने रिटर्न करने के लिए जा रही हूँ. एंड साथ ही साथ अपने नेल्स करवाऊंगी. सो यहाँ पे इतने DMs आ रहे हैं कि आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप व्लॉगिंग इतना कम क्यों कर रहे हो. एक्चुअली बीच में मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग कर दिया था, बट अभी मैं लास्ट 15 डेज से अभी बोल सकते बहुत ऑन एंड ऑफ चल रही हूँ, व्लॉगिंग इतना नहीं कर रही हूँ. अभी मैं उसका रीज़न आपको बताऊंगी एंड में. और अभी एक्चुअली टाइम हो रहा है, तो मुझे फटाक से रिटर्न करना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं. तो ये रिटर्न करने के बाद, अगर आप थाने में रहते हो ना, तो मैं आपको वो शॉप बता दूंगी, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी शॉप थी और बहुत पास में, मेरे घर के तो बहुत ही ज़्यादा पास है. तो वो मैं आपको बता दूंगी. फिर एनी केस यू हैव किड्स और आपको रेंट के लिए चाहिए हो, आपके बच्चे स्कूल में प्रोग्राम होता हो, तो यू कैन गो देयर. थोड़ा एक्सपेंसिव देती है वो. एक ड्रेस का उसने कॉस्ट लिया है 370 रुपीज़, विच इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव. जो थाने स्टेशन के पास में है एक दो शॉप्स हैं, उनको भी मैं जानती हूँ, वो लोग काफ़ी सस्ता लेते हैं, वो 150 रुपये में दे देते हैं रेंट के लिए. गाइज आई एम बैक, और मैंने जो अपने नेल्स का कलर करवाया है वो कुछ ऐसा है, ग्लिटर एंड ग्रीन कलर कुछ तो है. एक्चुअली मुझे सटल कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, बट मेरे को जो जिनके पास मैं करवाती हूँ पार्लर में, जो यशिका सैलों है उनकी जो ओनर है स्पर्शा, वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई है. तो यू नो मैं क्योंकि काफ़ी टाइम जब से मैं मुंबई आई हूँ मैं वहीं पे ही जा रही हूँ, तो वो मेरे को बोलने लगी कि आप ट्राई करो ये करो. तो वो मुझे अगर कुछ बोलती हैं कराने का तो मैं करवा लेती हूँ कि ठीक है. तो मेरे को ग्लिटर्स कराना, वो पिछले लास्ट टाइम ही मेरे को ग्लिटर का बोली थी, बट मैं भाग रही थी कि मुझे ग्लिटर नहीं करवाना है, एकदम
चमक धमक ऐसा लगता है, बट ठीक है अभी मैंने करवा लिया. उन्होंने बोला आपको नहीं जमता है तो आप 7 days बाद फिर से चेंज करवा सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं है. तो मैंने कहा चलो ठीक है करवा के देखते हैं कैसा लगता है. और आज विक्की घर पे ही है एंड घर पे ही काम कर रहा है. ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ना, ये मैंने विक्की को न्यू ईयर गिफ्ट करा है. ऐसे काम, लैपटॉप वही है, ऑपरेटिंग वही है, बट दो स्क्रीन पे काम हो रहा है. मतलब कर उसी से काम रहा है, बट वो जो भी एक्स वाई जेड इनका फालतू का है, यू नो दीज गीकी थिंग्स. सो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. अब पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ हैपनिंग होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. तो अभी मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड और मैं सोने वाली हूँ, क्योंकि कल हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं करने का. एंड लेट्स सी जो भी होगा आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू. सो आई विल मीट यू थोड़ी देर में. टिल देन, हे गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक वनीला केक इन कुकर. सो बेसिकली मैं जनरली जो केक बनाती हूँ वो माइक्रोवेव में बनाती हूँ, बट मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला था कि आप केक जो कुकर में बनाते हो वो किस तरह से बनाते हो, बिकॉज मैंने लास्ट पोस्ट आई गेस इंस्टा पे शेयर किया था. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी, मैं भी इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, इवन मोर देन यूट्यूब. मैं इंस्टा पे एक्टिव हूँ, इंस्टा पे मेरे सारे अपडेट्स रहते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज रुचि स्टाइल कॉर्नर. सो अभी मैं केक बनाने वाली हूँ, वनीला केक जो कि मैं कुकर में बनाने वाली हूँ. तो इस तरह का जो केक मिक्स है ऑलरेडी मार्केट में बहुत इजीली मिलते हैं. तो जैसे आप जो ये शॉपिंग स्टोर्स होते हैं लाइक मोर हो गया, डी मार्ट हो गया, हाइपर सिटी हो गया, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो आप कोई सा भी जो फ्लेवर आपको चाहिए, मैं ये फर्स्ट टाइम वनीला वाला फ्लेवर ट्राई कर रही हूँ, अदरवाइज मैं चॉकलेट वाला बनाती हूँ और वो दोनों में ही काफी अच्छा बनता है. सो लेट्स सी कि वनीला वाला इस बार कैसे बनने वाला है, बिकॉज अभी मेरे यहाँ सब डांस क्लास के बच्चे आने वाले हैं तो लोग बड़े उससे केक खाते हैं. बाकी विक्की तो इतना केक खाता नहीं और हम दोनों केक इतना ही बनाऊंगी, बट ये पूरा मैं बनाती हूँ बिकॉज वो लोग बहुत खुशी से केक खाते हैं. सो आई एम गोना मेक इट. तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल से रेसिपी होता है. हाँ, और फिर हम लोग बच्चों से ही रिएक्शन लेंगे कि ये कैसा बना है, बिकॉज वो बहुत ऑनेस्ट आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली बना कैसा है. और मैंने ये जो नेल्स करवाए ना, तो ये बेसिकली जो नेल्स है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, बिकॉज आप ऑल्दो जिसके यहाँ मैं नेल्स करवाती हूँ ये काफी कंफर्टेबल है कंपेरेटिवली जो बाकी लोग नेल्स कराते हैं. लाइक अगर आप डेली घर पे आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं और ये सब काम करते हैं, सब्जी काटते हैं, यू नो चॉपिंग वॉपिंग करते हैं, देन दिस नेल्स इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू, बिकॉज आप आटा इससे बिल्कुल नहीं गूंथ सकते हो, आप चॉपिंग तो कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज अगर आप चॉपिंग करोगे तो आपका ये नेल कट सकता है और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप नहीं कर सकते हो. तो अगर आप जैसे मैं छोटे मोटे आटा वाटा तो मेरी आंटी आके करी देती है, चॉपिंग भी वो करवा देती हूँ, उसके अलावा मैं बाकी सारे काम बहुत इजीली इससे कर पाती हूँ, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, सो आई जस्ट अप्लाइड लेंसेज, न्यू ब्रांड के लेंसेज मैंने ट्राई करे हैं. आई लव वेयरिंग लेंसेज और मुझे ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई ट्राइड दिस वन एंड जस्ट टेस्ट कर रही हूँ कि आंखों को इच तो नहीं कर रहे हैं ऑल एंड अभी, और इसलिए मैंने लाइनर लगाया बिकॉज वो लाइनर में और ज़्यादा अच्छे से उठ करके आते हैं. सो सारे जितने भी बच्चे हैं वो सब आ चुके हैं एंड आई एम जस्ट टेकिंग माई केक टू देम एंड लेट्स सी द रिएक्शन. सो यस, दिस इज वेनीला केक. ओ नो 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 नो, मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ. टेस्टी दिख रहा है, टेस्टी. सो दिस लुक्स वेरी सॉफ्ट. ये बना दो, इसमें वेनीला ही नहीं है, इसमें सिर्फ चॉकलेट. बताना कैसा है. फिर चारा के बाद में फिर How's it? Paste तो करो, पक्का? पकड़ो 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 पकड़ो. क्या? मामी मुझे
मिलेगा मिलेगा सबको मिलेगा सब बिकॉज इसका मुंह बहुत छोटा सा है मुझे भी दे रही दे इसको मुंह छोटा है इसको मुंह का पीछा है ए डिलीशियस कैसा है लॉक से खोलो लॉक से मैम दो लॉक ले तुम खिलाओगी हां लो अच्छे से खिलाना गिराना नहीं मतलब लिटरली ऐसे लिख कर करके उसको खा रहे इतना पसंद आया इन लोगों को तो आप इस तरह से केक बना सकते हैं कुकर में इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी चॉकलेट केक ज्यादा टेस्टी था फिर भी ये लोग वनीला बहुत अच्छे से खा रहे हैं मतलब वो ज्यादा टेस्टी था बट फिर भी वनीला बहुत अच्छे से खा रहे हैं सो यस दिस इज द थिंग और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में बिकॉज अभी डांस क्लास हो रही है आज काफी कम बच्चे आए हैं काफी सारे बच्चे नहीं आए हैं सो ओहो ओके क्लासेस ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ए मूवी इज गुड न्यूज तो जो मैं टी शर्ट पहनी थी मैंने वही पहन लिया है नीचे से जीन्स डाली है और ऊपर से जैकेट पहना है दैट्स इट सो बस अभी हम मूवी के लिए जा रहे हैं आकर के मैं आपको रिव्यू देती हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुकी हूँ तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में चिल्ड्रन बाय हाय गाइस सो वी आर बैक और मूवी काफी अच्छी थी मतलब कितने टाइम बाद मुझे कोई बॉलीवुड मूवी बेटर लगी है जिसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी मुझे कबीर सिंह भी फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब मैं कुछ बोलूंगी नहीं उसके बारे में वर्डिक्ट नहीं दूंगी बट मुझे वो भी कोई ऐसी ये अच्छी थी मतलब इट्स नाइस लाइट हल्की फुल्की कॉमेडी थी बहुत सारा थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा था जो कि हर बॉलीवुड मूवीज में होता है बड़ी अच्छी मूवी थी सो लेट्स सी कल का क्या प्लान होता है और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल हाँ कल हम लोगों ने कुछ सोचा तो है तो अगर कल उठ जाएंगे टाइम से तो वो कर लेंगे एग्जीक्यूट ऐसा होने वाला है सो आई मीट यू थोड़ी देर से बिकॉज अभी बहुत भूख लग रही है डिनर का टाइम हो चुका है तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ टिल देन बाय ओके तो कल के बाद मैं सीधे आज व्लॉग कर रही हूँ हाँ सो आई वॉज टेलिंग यू कि मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही थी एक्चुअली मुझे ईयर एंड हो रहा था ना तो मैं बहुत सारी चीज़ों में मेस्ड अप थी कुछ फाइनेंशियल चीज़ें थी जिसको लेकर के मुझे पूरा डेटा तैयार करना था और बहुत सारा ऐसा सब चीज़ें थी एंड आई वॉन्टेड टू बी नो थोड़ा सॉर्टेड चाह रही थी कि मेरा ईयर एंड एकदम ऐसे हॉच पॉच काम ही काम में नहीं जाए और इसलिए मैं थोड़ा व्लॉगिंग कम कर रही थी एंड मैं इवन आई डोंट फील लाइक व्लॉगिंग जब मेरे को फील नहीं होता अंदर से व्लॉगिंग करने का अदरवाइज आपने देखा होगा जब मेरा मन होता है तो मैं डेली व्लॉग्स भी करती हूँ बट जब मेरा मन नहीं होता है तो मैं थोड़ा डिले करके व्लॉगिंग करती हूँ तो यही हो रहा था मेरा इतना ज्यादा मन नहीं था बट नाउ आई एम ऑन ट्रैक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जनवरी इज माई बर्थडे मंथ सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पता ना किस किस का बर्थडे जनवरी में आता है और कौन कौन सी डेट्स में आता है सो येस और आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन Bye.